मैंगो पुलाव। एक बार खाओगे तो फिर से खाने की इच्छा होगा। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं एली। वेलकम बैक टू माय चैनल एलीज गुड लाइफ। फ्रेंड्स, अभी आम का सीजन है तो आज मैं एक न्यू रेसिपी लेके आ गई हूँ, मैंगो पुलाव। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। चावल को पहले 10 मिनट के लिए भिगा के रख दीजिए। अभी मैं पैन में पानी ले ली हूँ, इसमें थोड़ा सा नमक डाली हूँ। इधर मैं आम ली हूँ, आम को अच्छे से पानी से क्लीन कर दी हूँ और आम को ऐसे ही छिलका, उसका ऊपर का छिलका ऐसे निकालना है। याद रखिए, आम थोड़ा सा कच्चा रहना है ताकि इसको छिलका निकालने में इजी होगा। ये देखिए, थोड़ा सा पक गया है तो इसका छिलका नहीं निकल रहा है, तो इसको काट के रस निकाल दूँगी। ये देखिए, पानी गर्म हो गया है, मैं चावल डाल दी हूँ। ढकती हूँ। ये मैं मिक्सी जार में आम काट के रखी हूँ, थोड़ा सा अदरक काट के रखी हूँ, 2 ग्रीन मिर्ची, 1 रेड चिली ली हूँ। आप जितना तीखा खा सकते हैं मिर्ची और डाल सकते हैं। ये मैं नारियल कोर के रखी थी, नारियल ली हूँ और तिल ली हूँ, उसको मिक्सी जार में अच्छे से पीस ली हूँ। और थोड़ा सा रह गया था तो उसको भी मैं निकाल दे रही हूँ, उसको भी अच्छे से पीस ली हूँ। अब कढ़ाई में तेल डाल के पहले फली बादाम उसको धीमी आंच में धीरे धीरे फ्राई करना है। फिर उसके बाद चना डाल, उसको डाल रही हूँ। उसको फिर सूखा मिर्ची, उसको हल्के से ऐसे ही धीमियन से फ्राई करना है। फिर उसके बाद सरसों, जीरा, फिर जो कड़ी पत्ता ली थी वो कड़ी पत्ता, उसको डाल दी हूँ। सरसों डाल दी हूँ, फिर उन सबको एक साथ मिला दी हूँ।
अब जो पीस के रखे थी आम, नारियल, तिल, अदरक, मिर्ची, वो सब को एक साथ जो मिक्स करके रखी थी, पीस के रखी थी, उसको इसी में ही डाल देना है और उसको अच्छे से फ्राई करना है, जिससे उसका तेल निकल जाएगा, वैसे उसको अच्छे से ही फ्राई करना है। थोड़ा सा हल्दी, फिर इसमें थोड़ा सा नमक, अब जो खाना में खाना बना के रखे थे उसको फिर इसके इसी में डालना है और धीरे धीरे एकदम पलटाना है, क्योंकि ना नहीं तो राइस टूट जाता है तो अच्छा नहीं दिखता है। तो इसमें अभी मैं तिल डाल रही हूँ, इसको हल्का सा से धीरे धीरे करके पलटाना है। ये देखिए मैंगो राइस पुलाव रेडी है। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और खाने में बहुत मज़ेदार लगेगा। आप भी एक बार बनाओ और कैसा लगा आपका ये अनुभव मेरे को ज़रूर कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। जो मेरे फिर चैनल पर न्यू हैं, न्यू विजिट किए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप कहाँ से मेरे वीडियो देख रहे हो वो भी मेरे को पता होना चाहिए, तो कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा आप कहाँ से मेरे वीडियो देख रहे हो। और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं उनको दिल से थैंक यू, नमस्कार, जय जगन्नाथ। फिर मिलती हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।